नमस्कार, पल पल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कोरोना वायरस के आंकड़े भारत में अब डराने वाले सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में जहां 1100 से अधिक लोगों की मौत हुई है इस वायरस से, वहीं 45,000 से अधिक कोरोना वायरस के नए मरीज सामने आए हैं। भारत में आज 12,38,000 से अधिक लोगों को कोरोना वायरस के जो है मरीज सामने आ चुके हैं। केवल एक महाराष्ट्र में 10,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। वहीं पूरे संसार की अगर हम बात करें तो अब से कुछ देर पहले के जो आंकड़े हैं, 1,54,00,000 से अधिक लोगों को कोरोना वायरस हो चुका था। और वहीं अमेरिका में 41,00,000 से अधिक मरीज हैं। और जो मरने वालों का आंकड़ा है, केवल अमेरिका में 1.5 लाख को छूने वाला है। और भारत में भी 12,38,000 में से लगभग 30,000 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं दूसरे नंबर पे जो ब्राज़ील है, वहाँ 21,000 लोगों को कोरोना वायरस के जो हैं वो मरीज अब तक की संख्या पर पहुँच चुके हैं और 81,000 से अधिक लोगों की मौत हुई है। हरियाणा की भी हम बात करें तो पिछले 24 घंटे में हरियाणा में 700 से अधिक कोरोना वायरस के मरीज सामने आए हैं। तो दोस्तों, कोरोना वायरस अभी थमने वाला नहीं है, बल्कि वैज्ञानिकों के अनुसार, चिकित्सकों के अनुसार भारत में इसका जो पीक है वो अगस्त महीने में आएगा। ऐसे में आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और अगर घर से बाहर निकलना है तो पूरे सुरक्षा उपकरणों के साथ, और इसके सुरक्षा उपकरण हैं, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और भीड़ से बचें। तो दोस्तों, बने रहिए पल पल के साथ। नमस्कार।